जय सतगुरु दोस्तों, सोनाली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ खिचड़ी। इसे बनाने के लिए लगने वाला सामग्री, 1.5 कप चावल, इसे मैंने वॉश कर लिया है, कटा हुआ प्याज 1, कटा हुआ टमाटर 1, कटा हुआ धनिया 1/2 कप, मूंगफली के दाने, कटे हुए हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, राई, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, घी, नमक स्वाद अनुसार। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 2 चम्मच तेल, राई, कड़ी पत्ता, मूंगफली के दाने, इसको थोड़ा सा फ्राई कर ले तेल में। प्याज डालेंगे। अभी हमारे मूंगफली के दाने ब्राउन हो चुके हैं, अब हम प्याज डालेंगे। कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्ची, कटा हुआ हरी मिर्ची मिक्स कर ले। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब हम यहाँ पे चावल डालेंगे। अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम घी डालेंगे 1 टेबलस्पून, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हरा धनिया डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल के अनुसार आप पानी डाल लीजिए। अब हम पका लेंगे चावल को। तो चावल अभी रेडी हो चुका है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, और हमारे रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें।